गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, एजेके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो एजेके ट्रिपल वन चैनल आपको क्या प्रोवाइड करता है, तो सिक्योरिटी नॉलेज। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्कूल और कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड का एक ड्यूटी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, क्या काम करता है सिक्योरिटी गार्ड एज ए स्कूल और कॉलेज में, उसका क्या ड्यूटी होता है। तो देखा होगा दोस्तों, आजकल सिक्योरिटी कहाँ पे नहीं है। आप किधर भी देखो, मॉल में देखो, थिएटर फिल्म थिएटर में देखो, बड़े बड़े रेसिडेंसी में देखो, बड़े बड़े ऑफिस में देखो, आईटी कंपनी में देखो, इंडस्ट्री में देखो, जहां देखो आप, बंगलो देखो, किधर भी देखो, सिक्योरिटी के बिना कुछ नहीं चलता है। यानी कि जहां पे भी जाएंगे आप, वहां पे आपकी सिक्योरिटी का होना जरूरी है, ताकि जो प्रॉपर्टी हो, जो एम्प्लॉयज हो, जो भी स्कूल के बच्चे हो, किधर भी आप स्कूल बस में देखो, उसमें भी सिक्योरिटी रहती है। तो आपने देखा सब जगह पे सिक्योरिटी जरूरी है। तो आज का टॉपिक है हमारा स्कूल और कॉलेज में एक एज ए सिक्योरिटी गार्ड का रोल क्या होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले, तो फर्स्ट ड्यूटी रोल्स होता है उसका स्कूल और कॉलेज में, एंट्री, यानी कि एंट्री किस किस को देना है और रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो एंट्री ओनली फॉर स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट और स्टाफ, जो भी वर्कर होते हैं, यानी कि स्कूल जो भी कॉलेज होता है, स्कूल होता है, तो उसको सब पूरा बैरिकेड होता है और एक मेन गेट एंट्रेंस होता है, वहां पे जो आपका ड्यूटी हो मेन एंट्रेंस पे, तो आपको उसी वैलिडेशन करना है, आईडी वैलिडेशन करना है। उसके बाद ही आने वाले जो भी स्टाफ है कॉलेज का, टीचर रहेंगे या तो लेडीज टीचर रहेंगे, जो भी प्रिंसिपल रहेंगे, उनका आईडी चेक करके वैलिड करके, या तो स्कूल के बच्चे उनका आईडी वैलिड करके ही अंदर एंट्री देना है। किसी भी विदाउट आईडी को किसी को भी एंट्री बिना प्रिंसिपल के इजाजत के बगैर नहीं देना है। तो फर्स्ट आपका ड्यूटी रहेगा, जब भी आप मेन एंट्रेंस गेट पे रहेंगे, तो आपको पूरी तरह से 100% आईडी वैलिडेशन करके ही उसको कॉलेज के प्रीमिसेस में एंट्री देना है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है विजिटर और पेरेंट्स। इनको जो भी विजिटर आते हैं या तो पेरेंट्स आते हैं, तो उनको प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज या स्कूल के, उनके इजाजत के बगैर अंदर नहीं छोड़ना है। अगर उन्होंने कुछ काम के लिए आए हैं, तो पहले परमिशन लेनी है, और उसके बाद ही विजिटर हो, कोई मिलने आया हो या पेरेंट्स हो, उनको कॉलेज के गेट के प्रीमाइसेस में अंदर छोड़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है आपका, जो भी इस कॉलेज का एंट्रेंस होता है, वहां पे बहुत सारी स्कूल बसेस आते हैं, तो स्कूल बसेस जब भी आती जाती है एंट्री एग्जिट से बाहर जाती है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि उसका जो स्पीड लिमिट है वो ठीक तरह से होना चाहिए। ज्यादा ज्यादा स्पीड में आएंगे तो कुछ दुर्घटना ही घटित हो सकती है, क्योंकि वहां पे जो मेन एंट्रेंस रहता है, तो वहां पे बहुत सारी भीड़ रहती है स्कूल के बच्चों की, या छोटे छोटे बड़े बच्चे होते हैं, तो उधर क्या होता है, स्कूल अगल जो फैन आने वाली हो, स्कूल बस आने वाली हो, तो अगर स्पीड ज्यादा हो तो वो कुछ भी घटित होने की संभावना होती है। तो हर वक्त आपको स्कूल बस का जो स्पीड लिमिट होता है वो आपको ऑब्जर्व करना है। अगर ऐसा कोई स्पीड लिमिट आपको दिखाई दे कि ज्यादा चल रहा है, तो उस ड्राइवर का और गाड़ी का जो भी है इन जो ऑब्जर्वेशन है आपका, तो आपके सुपरवाइजर या तो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करके रखना है और देना है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी रोल होता है स्कूल बस ड्राइवर फाउंड ड्रिंक देन इन्फॉर्म, यानी कि कभी भी आपको क्या करना है, जो भी स्कूल बस का ड्राइवर होता है उसका हर टाइम ब्रीद अल्कोहल टेस्ट लेके रखना है, जाने जब एंट्रेंस एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम में। तो उस टाइम अगर वो आपको ड्रिंकर जो भी ब्रीद अल्कोहल टेस्ट करते हो आप, तो आपको अगर उसको फाउंड होता है कि वो ड्रिंक किया है, तो तुरंत आपके जो प्रिंसिपल्स है उनको इन्फॉर्म करना है, ऐसा ऐसा गाड़ी का ड्राइवर, उसका गाड़ी का जो भी रोल नंबर है वो सब, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल को दे के रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी रोल्स होता है आपका, व्हेन स्कूल बस एंटर एंड एग्जिट देन दैट ऑब्जर्व दैट नो एनी पर्सन अवेलेबल, यानी कि जब भी आपकी स्कूल बस अंदर एग्जिट करती है, बाहर जाती है स्कूल छूटने के बाद, या तो स्कूल में एंट्री टाइम आती है, तो उस स्कूल में इतना ऑब्जर्व करना है कि स्कूल में सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट बच्चे हो, और जो भी ड्राइवर हो, और जो भी एक कंडक्टर हो पीछे के बच्चों की देखभाल करने के लिए, वही इतने ही पर्सन हो, बाकी दूसरा कोई भी अदर पर्सन उसमें नहीं होना चाहिए। अगर कैसा कुछ आकर आपको कुछ ऑब्जर्व होता है ऐसा कुछ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ये ड्राइवर या तो कंडक्टर होते हैं, वो अपने रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको भी बस में चला लेते हैं जाते टाइम आते टाइम, ऐसा कोई ऑब्जर्व होता है तो आपको तुरंत प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना है और बता देना है उनको क्या ऐसा ऐसा इस बस में हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी रोल होता है व्हेन पेरेंट्स
आपने यानी कि जब स्कूल अगर कॉलेज शुरू होता है और उस दौरान अगर कुछ इमरजेंसी हो या तो कुछ प्रॉब्लम हो, उस टाइम आपके पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके बीच में स्कूल के टाइम में घर ले जाना चाहते हैं, तो उस टाइम बच्चे को जो लेके जा रहा है उसके साथ में स्कूल की जो प्रिंसिपल होता है उसकी परमिशन का लिखा एक लेटर होना चाहिए। उसको चेक करने के बाद ही आपको उस पेरेंट्स या तो जो चिल्ड्रन को स्कूल टाइम के बाहर गेट के छोड़ना है, नहीं तो नहीं छोड़ना है। जब तक आपको परमिशंस नहीं मिलता है तब तक बीच में किसी भी बच्चे को किसी के साथ अलाउ नहीं करना है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है उसका सराउंडिंग जो स्कूल का है वो एवरी टाइम चेक करते रहना है, जो भी वो क्लीन और नीट होना चाहिए, यानी कि क्लीन और नीट होना चाहिए, साफ सफाई होती है। जो सफाई कामगार आपको अगर दिखाई दे कि इधर भी क्लीननेस नहीं है तो सफाई कामगार को इन्फॉर्म करके उसकी क्लीनिंग करके लेनी है। अगर कि इधर पानी गिरा हुआ है तो उस पर स्प्रे से कोई गिर सकता है, तो जो हजार्ड्स वो होते हैं तो पहले आपको इन्फॉर्म करके जो भी सफाई कामगार होते हैं उनसे वो क्लीन करोगे के लेना है। यानी कि स्कूल का सराउंडिंग एरिया क्लीन एंड नीट होना चाहिए। ये भी आपको थोड़ा बहुत राउंड करते चाहे ऑब्जर्व करके उस वेंडर को बता देना है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है स्कूल एंड कॉलेज में जो भी रेगुलर स्टाफ होता है, जो भी एंट्रेंस होता है, तो मैंने पहले ही बताया कि आईडेंटिफिकेशन करके ही उनको अलाउ करना है। एंट्री किस किस को देनी है कुल में, तो जो भी बड़े अधिकारी होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और कौन कौन आता है, तो उसमें स्कूल में काम करने वाले सफाई कामगार होते हैं वो जो क्लीनिंग करने के लिए आते हैं, और गार्डनियर यानी कि माली वर्कर भी होते हैं जो गार्डन होता है कॉलेज और स्कूल में उसकी देखरेख करता है। तो वो जो ऐसे जो वेंडर्स आते हैं सफाई कामगार बोलो माली बोलो अदर मेंटेनेंस वाले आते हैं, तो उनका आईडी वैलिडेशन करके स्कूल का अगर एंट्री पास उनके पास है तो ही उनको अलाउ करना है। विदाउट एंट्री स्कूल के आइडेंटिफिकेशन के उनको अलाउ नहीं करना। और जो भी आपके टीचर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वेंडर्स आते हैं, तो उनका रजिस्टर में इन और आउट टाइम एग्जिट एंट्री रिकॉर्ड रखना है अगर आप मेन गेट पे ड्यूटी कर रहे हो। स्कूल बसेस आते हैं तो उनका भी स्कूल बस का टाइम नोट करके एंट्री बस का इन टाइम और आउट टाइम भी एग्जिट उस रजिस्टर में मेंटेन करके रखना है। तो ये सब रिकॉर्ड आपको फॉलो करना है ताकि आपको कुछ इंसिडेंट घटित हो, कुछ इन्वेस्टिगेशन हो, तो आप बता सके इस स्कूल बस इतने टाइम को आई थी, इतना लेट आई थी, इतने पहले आई थी, या तो कोई टीचर या तो स्टूडेंट कब आया था, कब गया था। अगर वेंडर के स्टाफ है जो सब स्टाफ होता है वो काम करने के लिए कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, उसका भी रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है स्कूल बस जो भी ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है, जो स्कूल बस यूज हो रही है तो उसके सब ट्रांसपोर्ट्स के रूल्स है वो फॉलो, रूल और रेगुलेशंस जो बताए गए वो ट्रांसपोर्ट के रूल्स फॉलो कर रहा है, तो आपको उसके ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हो, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो व्हीकल का, और जो भी उसका टाइम लिमिट है वो स्पीड लिमिट ये भी चेक कर सकते हो। जो भी ट्रांसपोर्ट्स के रूल है वो तो आप स्कूल बस के ड्राइवर से चेक करवा सकते हो, और जो भी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स है वही भी है यानी स्कूल बस में ये भी आप चेक कर सकते हो, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्ट्स के रूल एंड रेगुलेशंस है वो सब फॉलो कर रहे कि नहीं वैन, ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है स्कूल के परिसर के में आने जाने वाले जो भी स्कूल के अलग अलग ये स्कूल बसेस होती है और जो भी दूसरे छोटी छोटी मिनी बसेस होती है, तो हर एक जो भी स्कूल का वैन है उसका तुरंत आते जाते टाइम एंट्री एग्जिट में एंट्री करना है, रजिस्टर में उसका मीटर भी रीडिंग लेता है लेके रखना है ताकि पता चले कि स्कूल बस अगर स्कूल की ओनर की है तो कितनी, अगर स्कूल की खुद की स्कूल बसेस है तो कितना मीटर पे वो जाती है, कितने मीटर से आती है, कितना रीडिंग होता है, ये भी आपको उसका रिकॉर्ड रखना है ताकि वो जो भी स्कूल बस का ड्राइवर है वो उस स्कूल बस का अगर एंट्री टाइम के पहले लेके जाता है, उधर उधर घूमता है, उधर सीटें भरता है, ऐसा कुछ अगर आपको पता चलता है तो कितना मीटिंग रीडर होता है, तो रीडिंग के दौरान आपको उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना है, ये भी आप उसमें मेंटेन कर रख सकते हो। उसके बाद में आपको जब भी टाइम मिले समय समय पर तो पेट्रोलिंग करते रहना है, जो भी आपका स्कूल कॉलेज हो उसको पूरा बैरिकेड किया होता है गेट पे, तो अलग अलग गेट पे पूरे स्कूल कॉलेज या गार्डन से सबको आपको पेट्रोलिंग करते रहना है। आपको अगर कुछ सस्पिशियस दिखाई दे तो तुरंत अपने सुपरवाइजर सीनियर को या तो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना है। तो देखा हमने आज के वीडियो में कि स्कूल और कॉलेज में जो भी एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप ड्यूटी करोगे तो क्या क्या रूल्स होते हैं,
तो फर्स्ट में अगर होता है तो पहले आपको आईडी वैलिडेशन करना है, आईडी 100% वैलिडेट करना है, उसके बाद ही आपको जिन लोगों को परमिशन है अंदर आने की उनको ही अलाउ करना है। विजिटर एंट्रीज या पेरेंट्स एंट्रीज है उसके लिए पहले परमिशन देखनी है और उसके बाद ही उनको अलाउ करना है। जो भी स्कूल बसेस आते हैं तो उनकी एंट्री एग्जिट ठीक तरह से करनी है, उनका जो भी ट्रांसपोर्ट रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करनी है कि नहीं वो देखना है, उनका मीटर गेज है वो भी मीटर रीडिंग रखना है, वो स्पीड लिमिट क्या है, सब डॉक्यूमेंटेशन है क्या, ये सब आपको चेक करना है, फॉलो करना है। जो भी ड्राइवर है तो उसको ड्रिंक करके आने की परमिशन नहीं है तो ऐसा कुछ दिखाई दे तो आपको परमिशन नहीं है तो वो आपको प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद में पूरे प्रीमाइसेस का आपको पेट्रोलिंग करते रहना है, अगर उसमें जो भी आप सस्पिशियस कुछ दिखाई दे तो आपको तुरंत आपके सीनियर या तो प्रिंसिपल है उनको इन्फॉर्म करते रहना है। ये जो सब रूल और रेगुलेशन है, जब भी आप स्कूल या कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करोगे तो ये सब रूल्स और रेगुलेशन आपकी ड्यूटी क्या है फॉलो करोगे। अगर ये मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक्स।